हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू किचन में आपका स्वागत है। तो एक बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। तो मैंने बनाए हैं ये मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, आसानी से ये बन जाती है। तो मैंने लिए हैं 4 छोटे साइज़ के टमाटर, 2 प्याज को मैंने काट लिया है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी मैं, और एक प्याज इसके साथ में डालकर पीस लूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। अच्छी तरीके से तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अपने ये पनीर की पीसेस। पनीर को आप अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह भून लें। दोनों तरफ से पलट पलट कर आप अच्छी तरीके से पनीर को फ्राई कर लीजिए। सबसे पहले इसमें मैं पनीर ही फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पनीर हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। सारी सब्जी आपको इसी तरह तेल में फ्राई करनी है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ सोयाबीन। सोयाबीन भी आपको अच्छी तरीके तेल में फ्राई करके बाहर निकालनी है। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ मशरूम। मशरूम भी आपको तेल में अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट तक फ्राई करनी है। तो आप देख सकते हैं मशरूम ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। तो आप इसे थोड़ा पानी सूखने तक अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक तेल में इसी तरह फ्राई करते रहें। तो उसके बाद मैंने डाला है अब तेल में तेज़पत्ता। अब हमारी सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, और ये कुछ 6 से 7 मैंने डाली हैं लहसुन की कलियाँ। ये साबुत लहसुन में डालकर इसमें फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये 2 प्याज कटी हुई इसमें डाली है, और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। हल्की हल्की जब प्याज होने लग जाए फ्राई, तो हम उसमें साथ ही अपनी हरी मटर डाल देंगे। तो प्याज के साथ ही आपको मटर को भी फ्राई करना है। आप इसमें आपको जो सब्जियां पसंद हो या कुछ भी आप सब्जी इसमें डाल सकते हो। आप इसमें गोभी भी ऐड कर सकते हो। पर यहाँ पर मैंने 4 ही सब्जियाँ ली हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो अगर जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये छोटे 4 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें साथ ही पीस लिया है, और 1 प्याज को भी इसमें पीस कर अच्छी तरीके से हम इस मसाले को भून लेंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच ही इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें सूखा धनिया, और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी नमक। अब सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको इसको मसाला भुनना है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। 15 से 20 मिनट तक आप इसे मंदी गैस पे मसाले को भुनने दीजिए। तो आप देख सकते हैं मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें सारी सब्जियां ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम। एक साथ सारी सब्जी डालकर आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए।
अब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी, लगभग आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाला है, जिससे कि सारी सब्जी हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर पका दूंगी और उसके बाद ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद हमारी अब मिक्स वेज की सब्जी बन चुकी है। तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग थोड़ा सा हरा धनिया, आप देख सकते हैं अब हमारी मिक्स वेज की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। कितनी स्वादिष्ट दिख रही है ये। तो आइए अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा इसको बनाना कितनी आसान है, तो आप भी इसे मेरी आसान सी रेसिपी देखकर घर पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।